माफ़ी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मन में ग्रज नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है कि हाँ उसे जो ठीक लगा उसने किया, वो अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जूँ, आई विश द बेस्ट फॉर हर। उसने तोड़ा नहीं, उसने अपने लिए किया, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ उससे। कभी ना कभी मैं लाइफ में ज़रूर जाना चाहूँगा बिग बॉस, बिकॉज आई फील वहाँ पूरा दिल खोल के खेलने का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बाज़ूका। आज है स्वतंत्रता दिवस और हमारे साथ दिग्विजय जी मौजूद हैं। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है चीज़ें, बट बहुत मज़ा आ रहा है। स्ट्रेसफुल चल रही है? एक्चुअली इतना सारा लोगों का प्यार आ गया कि प्रेशर आ गया ऊपर, कि आगे और ज्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा तभी चीजें आगे अच्छी बनेंगी। तो स्वतंत्रता दिवस है, कुछ बताइए घर दिन कैसा रहा आज का? ब्रेड पकौड़ा खाते खाते बीता या फिर कुछ और भी? नहीं, सुबह से थोड़ा काम वाम में ही लगा हुआ था मैं, और फिर मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि भाई इंडिपेंडेंस डे, बचपन में तो बहुत मजा आता, बहुत एक्साइटमेंट होती है सुबह उठ के छतों पर जाना और पतंग वगैरह उड़ाना, बट अब मुंबई में उतना मौका वगैरह मिलता नहीं है। और फिर मम्मी के हाथ के ब्रेड पकौड़े याद आए, तो आज दीदी आई बनाने में, आज तो ब्रेड पकौड़े खाऊंगा मैं। स्लीप विला की जर्नी कैसी रही? बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है जहाँ तक हम सब ने देखा है, आपके लिए कैसी रही है? नहीं, बहुत बहुत ही अमेजिंग थी, मतलब रोलर कोस्टर थी मेरे लिए, तो अप्स एंड डाउन इतने सारे थे, बट मजा आया। क्या आप कभी कशिश को माफ कर पाएंगे? नहीं, देखो माफ़ी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मन में ग्रज नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है कि हाँ उसे जो ठीक लगा उसने किया, एंड इट्स डन, तो ठीक है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जूँ, आई विश द बेस्ट फॉर हर। कभी दोस्ती हो सकती है आगे चल के आप दोनों की, हम देख सकते हैं कभी? मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि दोस्ती हो पाई, क्योंकि एक इतना बड़ा सपना था जो बचपन से वो उसने आके कुछ चीज़ें करी थी, उसने तोड़ा नहीं, उसने अपने लिए किया, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ उससे, उस वजह से शायद मुझे नहीं लगता कि दोस्ती हो पाएगी। आपको लगता है कि अगर कशिश ने ये फैसला नहीं लिया होता तो आज आप विनर होते? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ऐसा, डेफिनेटली, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं परफॉर्मर तो अच्छा हूँ, मैं जीत जाऊँगा अगर परफॉर्म करेंगे तो, वो बिलीफ मैं रखता था अपने अंदर, बट ठीक है कोई बात नहीं। कशिश और आपका नाम आ रहा है कि आप बिग बॉस 18 में आप लोग जा सकते हो, ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको ये चीज़ पता? नहीं, मुझे चीज़ इंटरनेट से पता लगती है, कोई मेरे दोस्त भेज देते हैं, कुछ चल रहा होता है सोशल मीडिया पे, आप लोग बता देते हैं, मुझे ऑनेस्टली इस चीज़ की कोई खबर नहीं और कोई ऐसी बात नहीं है। दिग्विजय को ऑफर आता है अगर बिग बॉस 18 से, तो क्या वो जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली कभी ना कभी मैं लाइफ में ज़रूर जाना चाहूँगा बिग बॉस, बिकॉज आई फील वहाँ पूरा दिल खोल के खेलने का मौका मिलेगा, अनलाइक रोडी स्प्लिट्स वाला, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल वोटिंग होती है, बिग बॉस इज़ लाइक जो आपका दिल है वो करो। तो क्या फैंस को क्या तोहफा देंगे इस बार आप? के बाद क्या तोहफा मिल सकता है उन्हें, म्यूजिक वीडियो, किसी सीरीज में, क्या क्या बताइए? सबसे बड़ा तोहफा मैं दे चुका हूँ, फिनाले वाले दिन ही मैंने कोर्स अपना लॉन्च कर दिया था, हाउ टू गेट इनटू रियलिटी शोज, जो भी लोग ये चूज करना चाहते हैं ये, तो उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया, एंड म्यूजिक वीडियो भी एक शूट हो चुकी है रिसेंटली। चाहने वालों को दो वर्ड बोल सो मच गाइस, इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव आई एम गेटिंग, मींस अ लॉट, थैंक यू।